शाहपुरा कस्बे में कोठी रोड पर दूरदर्शन रिले केंद्र के पास स्थित घाट गेट स्थित जयपुर सेंट्रल जेल में आज भाई दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जेल में बंद भाइयों से मिलने के लिए और उनका मुंह मीठा करवाने के लिए बहन ने सुबह से ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गई। भाई दूज के पर्व को देखते हुए जेल प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जेल में बंद भाइयों से मिलने आने वाली बहनों के बैठने के लिए और पीने के पानी के लिए भी जेल प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई। इस दौरान जेल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए और साथ ही जेल में बंद भाइयों से मिलने आई बहनों की सुरक्षा जांच के बाद ही उन्हें जेल के अंदर प्रवेश दिया गया। बहनें अपने साथ जो खाने पीने का सामान लाई थी उनकी भी सघनता से जांच की गई और मिठाई के केवल एक पीस और पूजन सामग्री के साथ बहनों को जेल के अंदर प्रवेश दिया गया। जेल के अंदर ड्रामा हॉल में जेल प्रशासन की तरफ से कैदियों को उनके बहनों से मिलवाने की पूरी व्यवस्था की गई, जहां बहनों ने अपने भाइयों का मुंह मीठा कराया और उनके हाथ पर मौली बांध मस्तक पर तिलक किया। भाई दूज के पर्व को देखते हुए जेल प्रशासन की तरफ से आज कैदियों के लिए विशेष डाइट का इंतजाम भी किया गया है। भाई दूज के पर्व पर जेल में बंद कैदियों को जब उनकी बहनों से मिलवाया गया तो बहनें और कैदी दोनों ही भावुक हो गए। इस दौरान बहनों ने अपने कैदी भाइयों की खुशी के लिए दुआ मांगी और साथ ही उनके जल्द रिहा होने की भी कामना की। वहीं अपनी बहनों से मिलने के बाद कैदियों ने भी भविष्य में कभी भी गलत काम नहीं करने का संकल्प लिया। वर्तमान में जयपुर सेंट्रल जेल में 2300 कैदी बंद है और आज देर शाम तक 10,000 के करीब बहनों के जेल में बंद भाइयों से मिलने आने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आरईसी का अतिरिक्त जाब्ता भी जयपुर सेंट्रल जेल में तैनात किया गया है और जेल में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है।